नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। कोतवाली थाने की पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गया जिले के टेनकुप्पा थाना के महियापुर गांव के राजीव रंजन, उज्जवल राज, अभिमन्यु और राजीवर राज को गिरफ्तार किया है। उज्जवल 12वीं पास है और शेष तीनों ग्रेजुएट हैं। ये शातिर मंगलवार और शनिवार को महावीर मंदिर आते थे। इन लोगों के पास पेटीएम का POS मशीन होता था। शातिर श्रद्धालुओं के आसपास सटकर खड़े हो जाते और भीड़ का फायदा उठाकर उनके पैकेट में POS मशीन सटा देते थे। वैसे श्रद्धालुओं जो कार्डलेस पेमेंट का इस्तेमाल करते थे और जिनके कार्ड का वाईफाई ऑन रहता था, उनके खाते से पैसे की निकासी कर लेते थे। लगातार शिकायत मिलने के बाद महावीर मंदिर सिक्योरिटी और कोतवाली थाने की पुलिस ने मामले की जांच की, तब पता चला कि साइबर फ्रॉड भीड़ का फायदा उठाकर यह गोरख धंधा कर रहे हैं। इसके बाद इन शातिरों को मंगलवार को शाम के लगभग 7:30 बजे महावीर मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया। इन शातिरों के पास से पुलिस ने 3 पेटीएम POS मशीन, 4 स्मार्टफोन, 2 बाइक और 1 ATM कार्ड बरामद किया है। कोतवाली थानेदार संजीत कुमार ने कहा कि ये 4 शातिर साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है, मामले की जांच चल रही है। यह साइबर शातिर का अंतर्राज्यीय गैंग है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को महावीर मंदिर में पूजा करने गए 3 पुलिसकर्मियों के खाते से इसी गिरोह ने POS मशीन का फायदा उठाते हुए पैसे की निकासी कर ली थी। शातिरों ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 1 कांस्टेबल के खाते से भी निकासी की थी। कांस्टेबल को जब पैसे की निकासी का मैसेज आया तब वे चौंक गए। उन्होंने जांच करवाई तब पता चला कि जिस वक्त उनके खाते से निकासी हुई उस समय वे महावीर मंदिर में नैवेद्यम खरीद रहे थे। इसके बाद महावीर मंदिर सिक्योरिटी ने मामले की जाँच की, तब CCTV फुटेज में देखा गया कि नैवेद्यम के पास कांस्टेबल से सटकर एक संदिग्ध खड़ा है और वह काफ़ी देर तक उनका पीछा करता रहा। इसी तरह कई अन्य संदिग्ध को भी सिक्योरिटी ने चिन्हित किया। इसके बाद 2 अगस्त को भी इन साथियों को महावीर मंदिर परिसर में देखा गया। मंगलवार को मंदिर सिक्योरिटी के लोग और पुलिस लगी हुई थी। जैसे ही साथियों पर नज़र पड़ी, इन लोगों ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी में कोई ऐसा थाना नहीं है जहां फ्रॉड का मामला सामने नहीं आता है। हालांकि कोतवाली पुलिस चारों को गिरफ्तार करने के बाद राहत की सांस ले रही है। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।